हमारी पोस्टों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अथवा हमें फॉलो कीजिए। घंटी को भी बजाइए ताकि पोस्टों की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। कुंभ नंगरी प्रयाग इस समय अपने अगले साल 2019 की जनवरी में आने वाले कुंभ की तैयारी में है। योगी सरकार की मशीनरी शहर में पूरी तरह से विकास के कार्यों को अंजाम देने में लगी हुई है। शहर की हर मुख्य सड़क पर इस समय विकास का कार्य होते देखा जा सकता है। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर चौराहों को विस्तार देने का काम तेजी से चल रहा है। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को काट दिया गया है, यहाँ तक कि चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे मंदिरों और मस्जिदों को भी हटा दिया गया है। कुछ धार्मिक स्थलों को लोगों ने अपने आप हटा दिया तो कुछ को सरकारी तंत्र ने जबरिया हटा दिया है। कई दशकों से चल रहे अवैध कब्जों को भी हटा दिया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लीडर रोड और जॉन्स्टनगंज चौराहे पर चला बुलडोजर। एक बाहुबली नेता द्वारा कथित रूप से कब्जाई गई जॉन्स्टनगंज चौराहे की 3 मंजिला बिल्डिंग को ढहा दिया गया है। लीडर रोड पर पटरी पर बढ़ाई गई दुकानों और भवनों को लोग अपने आप तोड़ रहे हैं। यूपी नाउ ने शहर में कुंभ की तैयारी को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर हो रहे कार्यों को देखा। शहर में इस समय पुलों और फ्लाईओवरों के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। पुराने डाट के पुलों को भी रेलवे द्वारा चौड़ा किया जा रहा है ताकि रास्तों को और चौड़ा बनाया जा सके। सोबतियाबाग और सीएमपी के पास पुराना डाट के पुलों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। कुंभ का मुख्य स्थल संगम नगरी अभी गंगा जी के पानी के कारण विकास कार्यों से दूर है। गंगा जी के पास पहुंच मार्गों पर भी अभी कुछ विकास कार्य नहीं हो रहा दिखा। हालांकि परेड ग्राउंड पर टेंट आदि लगते जरूर दिखाई दिए। अब देखना यह है कि बचे 2.5 महीने में क्या योगी सरकार कुंभ नगरी प्रयाग को विश्व से आने वाले भक्तों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ तैयार कर पाएगी कि नहीं।
आपको इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी अगर अच्छी प्रतीत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे को अपने कमेंट से अवगत कराएं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और बेहतर बना सकें। हमारे इस वीडियो को अपना लाइक दें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सादर।